दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। आम आदमी पार्टी निरंतर हिमाचल प्रदेश के मुद्दों से रिलेटेड सजग है और हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य जो जो भी जो यहाँ पे सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के वासियों को मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहती है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए उनको किया जाए, बेहतरी के लिए किया जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने शिक्षा की बात की और शिक्षा की व्यवस्था और सारी जो बहुत ही बुरा हालत था, दयनीय हालत में स्कूल थे, चाहे टीचरों की कमी थी, किस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हिमाचल प्रदेश में बात हो रही थी, हमने आपके माध्यम से उजागर किया। और हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनावों के मद्देनजर सबसे पहली जो गारंटी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत मनीष सिसोदिया जी ने शिमला में आकर दी, वो शिक्षा से रिलेटेड थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है निःशुल्क प्रदान की जाएगी, शिक्षा की क्वालिटी को सुधारा जाएगा और उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये 12वीं तक सारी चीजें निशुल्क दी जाएगी और टीचरों के जो खाली पद है वो भरे जाएंगे। और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये कि जो टीचर है सिर्फ वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाएगा, ना कि अन्य सरकारों की तरह उसे मिड डे मील में लगा दिया जाएगा, उसे सेंसस की गणना में लगा दिया जाएगा, बाकी अन्य कामों में उसे नहीं लगाया जाएगा, वो यही काम करेगा। उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव है, बाकी पार्टियां जो है वो ढकोसले करती है, मैनिफेस्टो छापती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो मैनिफेस्ट केवल मात्र चुनावी दिनों में छपता है, छपने के बाद कोई भी सत्तासीन पार्टी होती है उसके बाद वो कूड़ेदान में कहां लुप्त हो जाता है, क्या उन्होंने घोषणा की होती है हिमाचल प्रदेश की जनता ना जानती है, ना वो नेता जानते हैं जिन्होंने वो की होती है। उसे निमित्त अरविंद केजरीवाल का सीधा स्पष्ट है कि वो गारंटी के रूप में जो उन्होंने दिल्ली में गारंटियां दी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उन्होंने सारी गारंटियां पूरी कर ली है। अब जो वहां काम हो रहे हैं वो उससे ऊपर हो रहे हैं, यानी जिन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था उनको पूरा करने के बाद आगे आए हैं। उसी के निमित्त हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि में हम हिमाचल प्रदेश के अंदर निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेशवासियों को देंगे, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, कोई भी हो, चाहे उसके पास पैसा है चाहे नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर इलाज कराने हिमाचल प्रदेश में किसी भी संस्थान में जाता है उसे निःशुल्क व्यवस्था उसे दी जाए। पहले ऐसे नहीं था, रोड एक्सीडेंट किसी का हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाता है दिल्ली की तर्ज पर, उसे निशुल्क उसका इलाज करवाया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कौन से राज्य से हिमाचल प्रदेश में आया था, वो कौन सी बाउंड्री से आया था। लेकिन जब वो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बार एंटर हो गया और उसका किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो उसका जो इलाज है वो जो है निःशुल्क करवाया जाएगा। इसी के तहत तीसरा दिल्ली की तरफ जो मोहल्ला क्लिनिक है, हर गाँव में हर शहर के वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे ताकि जो ग्रामीण लोग हैं जो शहर नहीं आ सकते, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके मोहल्ला क्लिनिक खोल के ताकि उनको वहीं पे जो है निशुल्क उनकी जांच करवाई जाए, उनको दवाइयां प्रदान करवाई जाए। और चौथा बेहतर जो इसमें बहुत बड़ी बात है, जो डॉक्टरों की कमी यहाँ पे खल रही है। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपने पन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।